जी हाँ, अब तक के रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी आज पहुंचता हुआ नजर आया। जोरदार तेजी बाजार खुलते ही बाजार पे बन गई, लेकिन ये बाजार पे अब टिकेगी कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आज तो तेजी बनी, पिछला हाई था 9119 का, आज 9122 का हाई टेस्ट किया निफ्टी ने। ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे तो मार्च वायदा में आज तेजी की पोजिशन ज्यादा बनी है, 12% ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप है। जोरदार पुट्स में बिकवाली है, 9000 की स्ट्राइक ले लीजिए, 9100 की पुट, भारी भरकम आज ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है, यानी कि ट्रेडर्स कन्विक्शन के साथ पुट राइटिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तेजी आई है ये वोलेटिलिटी में गिरावट के साथ आई है, इंडिया विक्स में लगभग 11% की गिरावट, तो संकेत वायदा बाजार से तेजी बढ़ने के हैं। कैपिटल गुड्स पर रियल्टी फाइनेंस NBFCs, ये कुछ ऐसी पॉकेट थीम्स हैं जहां पर आज तेजी बनी है, और निफ्टी बैंक के सभी शेयर जो हैं वो हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। मोदी वेव है उत्तर प्रदेश में, भारी भरकम बहुमत, उसके बाद एकदम से बाजार ने पॉजिटिव रिएक्ट इसलिए कर लिया क्योंकि कहीं ना कहीं अब रिफॉर्म प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद बढ़ गई है। और साथ ही साथ जीडीपी के जो आंकड़े आए, इनफैक्ट जो चीन के जीडीपी के आंकड़े से बेहतर भारतीय जीडीपी ग्रोथ देखने को मिल रही है, आईपी फिगर्स काफी बेहतर है, आर्थिक फ्रंट पे जीएसटी लागू होने की उम्मीद अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो मल्टीपल ट्रिगर्स है मार्केट के पास जो यहां से बाजार को और तेज कर सकते हैं। लेकिन इस सीरीज में क्या करें, क्या ये तेजी 9100-9150 पर थम जाएगी या फिर यहाँ पर और तेजी बनेगी, और कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, उस पर बात करेंगे। हेमंत ठुकराल साहब मेरे साथ मौजूद है। हेमंत जी, बहुत शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। ये एकदम से गैप अप ओपनिंग है सर, आपने आज सुबह जब मार्केट्स को अप्रोच किया तो सबसे पहले काम किया क्या आपने, और क्लाइंट्स को क्या सजेशन दिया, क्या इस तेजी को भी और राइड कर सकते हैं या फिर वेट करें किसी भी डिप का खरीदारी करने के लिए? देखिए रजत, गुड आफ्टरनून। मेरे हिसाब से बाजार की जो तेजी है वो बनी रहनी चाहिए, उसके दो अहम कारण हैं, क्योंकि बाजार जो अब है वो पुट राइटर्स के हिसाब से अब नई रेंज में जा रहा है, यानी आज जिस तरह से 9000 पुट में राइटिंग हो रही है, अब जब तक बाजार 89.50 के नीचे नहीं जाता है, मेरे हिसाब से इट रिमेन्स अ बाय ऑन डिप्स। आपको डिप का मौका मिलेगा, आप उसमें आप जरूर खरीदें, 9050 से 9080 के बीच में जब भी निफ्टी फ्यूचर आए आप लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 8980। मुझे आने वाले हफ्ते तक ही टारगेट 9200 का आता हुआ नजर आ रहा है, तो अगले 3 से 4 दिनों में 100 से 125 पॉइंट की तेजी और आ सकती है। तो जब भी आपको 25 से 30 पॉइंट का डिप मिले प्रॉफिट टेकिंग या थोड़ा सा भी गैप डाउन ओपनिंग, तो आप एकदम से इस पे लॉन्ग कर सकते हैं 92 टारगेट के लिए। चलिए, लेकिन सर इसमें डर होता है बाजार में, देखिए जब ऐसी गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो एकदम से ट्रेडर्स जो है वो कॉशियस हो जाते हैं, और आज भी कहीं ना कहीं खबर ये थी कि कहीं FIIs की ऊपरी स्तर पर फिर से बिकवाली हावी ना हो जाए। फेड की बैठक है FOMC की, और एक क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक नीजर रिएक्शन मार्केट में मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोबारा से एंटर करने के लिए? देखिए रजत, मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉल राइटर्स भी कॉट हो गए हैं। अगर आप पिछले 3 दिन का डेटा देखिए तो 9091 इन दोनों में ही 55 लाख शेयर कॉल राइटर्स के जुड़े थे, यहीं पे ही सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, तो नीजक रिएक्शन डेफिनेटली आ सकता है क्योंकि बाजार में गैप अप ओपनिंग हुआ है, बाजार उसको सस्टेन कर रहा है। बट मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नीजक रिएक्शन की वेट ना करें, 25 से 30 पॉइंट का भी गिरावट आता है तो आप लीजिए, और अगर बाजार 9000 के नीचे नहीं जाता है तो मेरे ख्याल 9200 तो बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। कौन सी थीम्स, मैं आपसे शेयर्स बाद में पूछूंगा अभी बाजार पे क्योंकि तेजी है, तो कोई सेक्टर, कोई पॉकेट्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हो? आज फाइनेंशियल स्टॉक्स का दिन है, निफ्टी बैंक के सभी कॉर्पोरेट्स हरे निशान में है, और मैं थोड़ी देर पहले NBFCs देख रहा था, वहां पर तो जबरदस्त रफ्तार देखने को मिल रही है, NBFC स्टॉक्स ऊपर हैं। आपने कौन सी पॉकेट सेक्टर्स आइडेंटिफाई किया जहां पर इस सीरीज में और तेजी देखने को मिलेगी? देखिए मेरे हिसाब से NBFCs, बैंक्स और सीमेंट, ये 3 सेक्टर्स हैं जो हमने रिकॉग्नाइज किए हैं, तीनों में ही काफी ओपन इंटरेस्ट सेक्टोरली ऐड हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये 3 सेक्टर्स शुड बी एन आउट परफॉर्मर, तो इन तीनों में ही मैं आगे भी लॉन्ग पोजीशंस बनाने की राय दूंगा। तो 2 तो बिल्कुल आप जैसे समझा रहे थे वैसे ही है, NBFC और बैंकिंग, एक सीमेंट हमने और जोड़ दिया है जहां पे लॉन्ग पोजीशंस ऐड होती हुई नजर आ रही है। चलिए, ये जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं इन पे व्यू दीजिए सर। आज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, दीवान हाउसिंग, रिलायंस कैपिटल, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, इस स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग तेजी है। फाइनेंशियल स्टॉक्स में कोई स्पेसिफिक रीजन इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी का, और अगर आपको चुनना हो तो इस स्पेस से क्या चुनेंगे आप?
देखिए एनबीएफसीज में मेरे ख्याल से सारे ही स्टॉक्स पॉजिटिव लग रहे हैं। बहुत डिफिकल्ट था आज चूज करना कि कौन सा स्टॉक पिक किया जाए, क्योंकि सब में ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। एक ओनली एक्सेप्शन इज भारत फाइनेंस, जो मेरे ख्याल यूपी में लोन वेवर्स की वजह से थोड़ा सा स्टॉक प्रेशर में है या चल नहीं पा रहा है या पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। हमने जो आज स्टॉक रिकमेंड के लिए चूज किया है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। उसका दो मेन अहम कारण चूज करने के, सबसे ये स्टॉक सबसे अंडर परफॉर्मिंग रहा है सारे ही एनबीएफसीज में, और आज बहुत टाइम के बाद स्टॉक 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अब अगर आप देखें इसका बहुत ही कंसोलिडेशन पैटर्न रहा है 930 से 980 के बीच में, तो अब 990 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, 1040 से 1050 का टारगेट आता हुआ क्लियरली नजर आ रहा है। और आज लॉन्ग पोजीशंस भी 12% ऐड हुई हैं, तो बहुत क्लियर है कि ये स्टॉक में अब बाइंग इंटरेस्ट वापस से देखने को मिल रहा है। तो सारे एनबीएफसी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैंने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पिकअप किया है, तो मेरा टारगेट 1040 और स्टॉप लॉस 990। चलिए 1040 स्टॉप लॉस 990 श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहां से और तेज होगा, एबी मनी के रेडार पर है, स्टॉक पे बेट लगाई जा सकती है, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, अच्छा मुनाफा ये स्टॉक आपको दिला सकता है, इस समय काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हो रही है। बैंकिंग का आपने बात किया, आज तो जबरदस्त रिटर्न्स मिल गए, क्या यहां पर तेजी अभी और देखते हैं बैंकिंग में? अगर हाँ तो फिर कौन से स्टॉक्स तेज होंगे, क्योंकि आज तो आईसीआईसीआई बैंक ने संभाल लिया 5% ये स्टॉक ऊपर है निफ्टी बैंक। देखिए मैं पहले एक मिनट बैंक एज अ सेक्टर पे बात करना चाहूंगा। मुझे ऐसे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी जो कॉल राइटर्स हैं दे हैव बीन कॉट। 21,000 के कॉल में आज काफी अनवाइंडिंग हो रही है और पुट राइटर्स ऐड हो रहे हैं। ये मैं मंथली पुट कॉल रेशो की बात कर रहा हूं जो 30 मार्च को एक्सपायर होगा। मेरे हिसाब से अब बैंक निफ्टी अगर 20,850 वायलेट नहीं करता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 21,500 तक का टारगेट देखने को मिले। इसके रहते हुए बैंकिंग स्टॉक्स में मुझे बुलिशनेस बरकरार लगती नजर आ रही है। उसमें मैंने चूज किया है येस बैंक, अहम कारण अगेन ओपन इंटरेस्ट अच्छा बढ़ना, स्टॉक का आज एक नया 52-week हाई, इनफैक्ट मेरे ख्याल आज लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है येस बैंक। और अगर आप देखें जिस तरह से आज 1500 कॉल में राइटर अनवाइंड कर रहा है पोजीशन और पुट राइटर्स जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि अब बेस 1500 की ही बनाने की कोशिश कर रहा है येस बैंक, तो स्टॉप लॉस रहेगा 1500 का। और इमीडिएट शॉर्ट टर्म में जो टारगेट लग रहा है वो 1560 से लेके 1570 का जोन, जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन बन रहा है वो लग रहा है। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग आई एम बुलिश, लेकिन स्पेसिफिकली येस बैंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन लेवल से भी। सरकारी खेमे में क्या तेजी नहीं बढ़ती देखते हैं आप स्टॉक्स जैसे कि SBI, BOB, कैनरा, इन स्टॉक्स पे क्या व्यू पॉजिटिव है आपका? देखिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मुझे अभी भी लगता है कि सरकारी बैंक्स जो हैं वो उतना पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं बाजार की तेजी को। हालांकि अगर आप SBI इन पर्टिकुलरली मेरे से पूछें तो जो डेरिवेटिव्स डेटा है वो मुझे बता रहा है कि स्टॉक बेस बना रहा है 265-270 के आसपास, क्योंकि 270 का जो पुट राइटर है उसमें पोजीशन का जमाव हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से SBI 265 का घर तोड़ेगा, बट अपसाइड 280 में कॉल राइटर भी जोड़ रहा है, तो मेरे ख्याल से उसमें बहुत लिमिटेड रेंज का ही प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो मेरे आई वुड प्रेफर प्राइवेट बैंक्स, बट अगर आपको PSU बैंक्स में एक बैंक चुनना है तो SBI मेरे ख्याल अच्छा बैंक है तेजी करने के लिए। अच्छा रियल एस्टेट प्ले होगा क्या मार्केट में अब? HDIL, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जैसे स्टॉक्स आज बहुत एक्टिव है फिनो में। देखिए इन रियल एस्टेट स्टॉक्स में मैं एक पहले वार्निंग बता दूं कि बहुत जल्दी ये बैन में चले जाते हैं ये एक इनका नुकसान है, लेकिन ट्रेडिंग पोजीशंस पॉजिटिव साइड में बन रही हैं। और मेरे ख्याल IB रियल का इमीडिएट शॉर्ट टर्म में टारगेट 86 का बनता है और HDIL का 78 का। अगर आप HDIL लॉन्ग कर रहे हैं तो उसके अंदर स्टॉप लॉस रखिए 72 का, और IB रियल अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस रखिए 80 का, क्योंकि 80 के पुट राइटर्स में जमाव हो रहा है। लेकिन मैं फिर से वार्निंग देना चाहूंगा ये बहुत जल्दी बैन में आ जाते हैं, तो FNO ट्रेडर्स थोड़ा ध्यान रखें पोजीशन बनाते हुए। सीमेंट आपने बोला था एक और पॉकेट जहां पर आप समझते हैं कि तेजी बनेगी, ग्रासिम, ACC, अल्ट्राटेक, इंडिया सीमेंट, कोई स्टॉक आपको पसंद है क्या सेक्टर में?
देखिए सीमेंट क्षेत्र में मुझे काफ़ी अच्छी यहाँ से राइज देखने को उम्मीद लग रही है। मैं अपनी ग्रुप कंपनियों पे तो कमेंट नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली एक स्टॉक है सेंचुरी टेक्सटाइल, जिसको हम क्वाजाई सीमेंट ही देखते हैं। मेरे ख्याल से उसके अंदर भी आप तेजी इस करंट लेवल से बना सकते हैं। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखिए, बहुत अच्छा ऐड कर रहा है, 7% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है स्टॉक में। स्टॉक 950 के ऊपर ट्रेड कर पा रहा है, अब एक रेजिस्टेंस क्रॉस लेवल किया है और 950 के पुट राइटिंग पोजीशंस भी बन रही हैं। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में ही मुझे टारगेट 1010 का आता हुआ लग रहा है और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 965-970 जोन, जहां पे अब सेंचुरी जो रेजिस्टेंस था वो क्रॉस किया है तो वो सपोर्ट लेवल बन जाएगा। हेमंत जी, दो स्टॉक्स पे और व्यू लेना चाहूंगा आपसे। एक तो है एशियन पेंट्स, जो इस सीरीज में धीरे धीरे करके अब अपने सीरीज के उच्चतम स्तर पे पहुंचा है, बहुत स्ट्रांगली एक्युमुलेटेड है, और दूसरा है बाटा इंडिया। दोनों में से कोई भी स्टॉक क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं? देखिए मैं तो दोनों ही स्टॉक्स को काफी ध्यान से देख रहा हूँ। एशियन पेंट्स का रोल ओवर्स बहुत स्ट्रांग हुए थे, लेकिन स्टॉक उसके बाद एक कंसोलिडेशन में चला गया। लेकिन अब आप एक बात देखिए कि जितना क्रूड नीचे जाएगा उतना एक तरह से एक बाय प्रोडक्ट की तरह एशियन पेंट पॉजिटिवली क्रिएक्ट कर रहा है, उसमें ओपन इंटरेस्ट भी ऐड होना शुरू हुआ है। और जब से स्टॉक ने 1040 का घर क्रॉस किया है, नाउ इट इज शोइंग स्ट्रेंथ टेक्निकली ऑल्सो। तो मेरे हिसाब से अगर 1035-40 के नीचे नहीं जाता है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि एशियन पेंट्स आपको 1100-1105 का टारगेट भी देखने को मिले। जहां तक बाटा इंडिया की बात रह गई, मेरे ख्याल से स्टॉक में बहुत धीरे धीरे ओपन इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन जिसको हम बोलते हैं वो हो रहा है, और स्टॉक अब कंसिडरेबली अपने टेक्निकल रेजिस्टेंस 515 के ऊपर ट्रेड कर रहा है आराम से। तो अगर 515 के ऊपर टिक के रहता है तो 535 का इमीडिएट टारगेट नजर आ रहा है मेरे को। हेमंत जी, आखिरी सवाल आपसे, ये जो कैपिटल गुड्स में मूव आया आज के सत्र में, LAT, BHEL जैसे स्टॉक्स में, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मेरे हिसाब से मैं सबसे ज्यादा लार्सन के मूव को पॉजिटिव समझूंगा, क्योंकि एक तो वो निफ्टी 50 में हैवी वेट है, दूसरा जरूरत थी लार्सन की 1550 को क्रॉस करके कंफर्टेबली ट्रेड करने की, जो आज वो साइन दिखा रहा है, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 1600 कॉल में जिस तरह से आज अनवाइंड शुरू हुआ है अगर वो कंटिन्यू रहता है तो मेरे ख्याल से लार्सन एक बहुत बड़ी रैली की तैयारी कर सकता है। तो आने वाले एक दो दिनों में ओपन इंटरेस्ट और 1600 की कॉल पे नजर रखें। अगर लार्सन 1600 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो 1725 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली मेरे रडार में है स्टॉक, और अगर आपने आज लॉन्ग किया है तो 1550 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप। चलिए हेमंत, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और वायदा बाजार पे कैसे ट्रेड्स डेवलप हो सकते हैं उस पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार दर्शकों को आपकी फटाफट से कॉल्स बता दूं जो आपने पॉजिटिव साइड पर रिकमेंड दी है। आपने बैंकिंग, सीमेंट और NBFC पे दाव लगाने की सलाह दी है। सेंचुरी टेक्सटाइल जिस पर टारगेट है 1010 का, इस स्टॉक को आप अप्रोच कर सकते हैं पॉजिटिव साइड पे। दूसरा स्टॉक जहां पर खरीदारी की सलाह AB Money की है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। टारगेट है इसमें 1040-1045 का, और स्टॉप लॉस 990 के जोन्स पे आपको लगाना है। और एक स्टॉक है यस बैंक, बैंकिंग पे पसंद है, ये स्टॉक नए लेवल्स छू रहा है, अब 1565 के टारगेट के लिए अप्रोच किए जा सकते हैं। वहां पर माइनर रेजिस्टेंस है लेकिन डेटा बहुत पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। और सबसे बड़ी बात कि निफ्टी 9200 तक जाएगा और ये जल्द ही लेवल्स आ जाएंगे। स्टॉप लॉस 8980 का आप लगाकर चले। अपनी पोजीशंस पे तेजी की पोजीशन बनाई हैं तो उनको होल्ड करें। 92 का टारगेट अगले हफ्ते तक निफ्टी पर देखने को मिल सकता है। सिमी भौमिक जी मेरे साथ मौजूद है। सिमी, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। निफ्टी पर रणनीति आपकी क्या है मैम, आप क्या टारगेट्स ले रहे हैं और किस लेवल पर दोबारा री एंटर करेंगे? देखिए थोड़ा बहुत, गुड आफ्टरनून रजत, मैं थोड़ा बहुत एक डीप का इंतजार कर रही हूँ क्योंकि निफ्टी कहीं ना कहीं 9079-9080 के आसपास ऑसिलेट कर रहा है। अगर थोड़ा बहुत डीप मिलता है तो लेंगे, या कोई अगर करंट लेवल पर लेने के लिए सोचता है तो मुझे लगता है कि 9045 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। एक मेजर सपोर्ट जो आज इंट्राडे का लो है 9060, उसी के आसपास सपोर्ट है। अगर निफ्टी यहाँ से 10-15-20 पॉइंट भी नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे खरीदारी करने का सोचना पड़ेगा 9045 के नीचे स्टॉप लॉस। मेरा पहला जो टारगेट होगा वो 9122 है जो कि आज का हाई है। वो इसलिए क्रूशियल भी है क्योंकि पहले निफ्टी उसी के आसपास एक हाई बनाया था 2-3 साल पहले 9119 का,
उसी के आसपास आज हाई आज बना है, हाई भी है तो, हाँ, तो वो हाई क्रॉस करने के बाद 91.50 तक का टारगेट है। स्टॉक पे बुलिश है, स्टेट बैंक में एक लॉन्ग पोजीशन सजेस्ट कर रही हूँ। मेरा स्टॉप लॉस है 272 का और टारगेट है 279 और 81 का, कल तक होल्ड करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। SBI पे आप पॉजिटिव हैं 278-281 के लक्ष्य के लिए। के प्रभाकर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर साहब शुक्रिया अपने समय Zee Business को देने के लिए। ऑल टाइम हाई लेवल्स पे खड़े हैं सर, क्या यहाँ से तेजी और बढ़ेगी, कौन से स्टॉक पे फोकस रखें? गुड आफ्टरनून मिस्टर रजत, आई थिंक नो द मार्केट हैज ओपनड हायर लेवल, नाउ वी कैन फोकस ऑन 9250 एज एन नेक्स्ट लेवल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 89.80 and I think the rally is likely to sustain for next few months also going forward. Now, and the stock which I will recommend today is M&M Finance. Buy with a stop loss of 274, target 304 on a higher side. चलिए बहुत शुक्रिया। M&M Financial पे आप बुलिश हैं और 304 के लक्ष्य आप दे रहे हैं स्पॉट के हिसाब से, स्टॉप लॉस 274। विकास सोलंकी निर्मल बैंक से मौजूद हैं। विकास जी नमस्कार, निर्मल बैंक की स्ट्रैटेजी बताएं सर निफ्टी पे और एक स्टॉक जो आपके रडार पर। जी हाँ जी, जैसे आज गैप अप हुआ है उस हिसाब से मार्केट एक साइड वाइज मूवमेंट भी कर, अपसाइड गैप भी सस्टेन करे, मुझे लगता है यहाँ पे बाय करके जाना चाहिए। अपर साइड में 9170 का एक टारगेट यहाँ पे लेके जाना चाहिए एक से दो दिन के लिए। नीचे में अगर निफ्टी 9020-9000 के नीचे वापस आती है तो मुझे लगता है वहाँ पे एक जिस तरफ जाना चाहिए, मे बी वहाँ पे स्टॉप लॉस रख के निफ्टी में स्टॉप लॉस रख के अपर साइड के लिए प्ले करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक मुझे इंजीनियर इंडिया यहाँ पे एक अच्छा काउंटर लगता है, ऑलरेडी वो नीचे चल रहा है। RSI यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, मुझे लगता है RSI इंडिया एक मिनिमम रिस्क बेस्ड स्टॉक है। यहाँ पे 144 का एक स्टॉप लॉस रख के 54 के टारगेट के लिए इंजीनियर इंडिया बाय करना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो निफ्टी पे सभी की कॉल्स जो है वो पॉजिटिव साइड पे है, जब बाजार एक गैप अप ओपन हो जाए और वो तब जब वो रिकॉर्ड स्तरों पर हो तो वो बहुत बड़ा ट्रिगर मार्केट्स के लिए होता है, और इस लिहाज से अब 9170-9290 तक के टारगेट्स रेडार पर हैं, तेजी बनेगी। तो EIL जैसे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में शामिल करें। फाइनेंशियल स्टॉक्स आज तेज हैं जिसमें M&M फाइनेंशियल, SBI, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको तगड़े रिटर्न दिला सकते हैं।